भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट AISM से बनी सेफ्टी ऑफिसर करें नेशनल और इंटरनेशनल सेफ्टी कोर्स एक्सपीरियंस ट्रेनर्स के गाइडेंस में 100% प्लेसमेंट गारंटी के साथ। संपर्क करें AISM एहसन मार्केट विशाल मेगा मार्ट के पास सिवान। नमस्कार, मैं फहीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। सिवान के दो प्रखंड यानी हुसैनगंज और हसनपुरा में सुबह से ही लगातार मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही जो मतदाता हैं वो लगातार लाइन में लग के, कतार में लग के अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं, सबसे अहम मुद्दा जो है सुबह से ही लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, और अहम मुद्दा जो है वो यही है, विकास के नाम पे लोग लगातार वोट कर रहे हैं सुबह से। आप देख सकते हैं ये तस्वीर जो है वो हसनपुरा प्रखंड के अंतर्गत शेखपुरा पंचायत का ये निज़ामपुर गांव है, जहां से बूथ संख्या 155 और 156 की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सुबह से ही लगातार तस्वीरें दिखाने, और सुबह से एक चीज़ खास दिखाया जा रहा है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का संख्या जो है वो ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आए। खैर, कुछ लोग हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। वोट करने आए हैं किन मुद्दों के साथ? हम वोट करने आए हैं कि सही प्रत्याशी को चुना जाए, और यहाँ पर जो विकास रुका हुआ है उस विकास को आगे बढ़ाया जाए, और जो विकास हुआ है अच्छा हुआ है उसको और विकास को हम लोग चाहते हैं कि और आगे बढ़े। किन मुद्दों के साथ पहुँचे हैं वोट? बस चले आए हैं बस वोट देने के लिए, जो भी अच्छा लगेगा उस पर वोट दे देंगे। अच्छा, किन मुद्दों के साथ आप पहुँचे हैं वोट? विकास के मुद्दों के साथ, जो भी प्रत्याशी। किन मुद्दों के साथ पहुँचे? भैया वार्ड से। किन मुद्दों के साथ? विकास के। चलिए, तो आपको बताएं कि ये मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि विकास है, किन मुद्दों के साथ पहुँचे? हमारी पत्नी जो है सरपंच पद की प्रत्याशी है, फरहत निशा। न्याय के मुद्दा है और विकास का मुद्दा है। चलिए, तो आपको बताएं कि निज़ामपुर से यानी शेखपुरा पंचायत के निज़ामपुर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करें किन मुद्दों के साथ सर पहुंचे हैं आज वोट करने। बस विकास के लिए पहुंचे हैं कि विकास हमारा गांव में हो और अच्छा आदमी को चुना जाए। चलिए, तो आपको बताएं कि सुबह से लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं, केवल विकास का ही मुद्दा लोगों से बातचीत करने की कोशिश हो रही है हमारी, किन मुद्दों के साथ? विकास के लिए। क्या मुद्दा है आपका? विकास, जो कोई प्रत्याशी जीते बस विकास हो, पब्लिक को विकास चाहिए और क्या चाहिए, शांतिपूर्ण रहे, किसी का विद्रोह ना हो। चलिए, तो आपको बताएं कि सुबह से ही लगातार शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हर बूथ पे हो रहा है। लगातार हम बूथ का जायजा ले रहे हैं और दिखाने की कोशिश, किस तरह का मतदान चल रहा है? शांतिपूर्ण चल रहा है, कोई हंगामा नहीं है, बेहतर तरीके से। हाँ हाँ, टाइमली चालू हुआ था। हाँ हाँ, कितने बजे से मतदान, कितने बजे से चालू हुआ था? 7 बजे। 7 बजे से चालू हो गया था सर। टाइमली चालू हुआ था। बहुत आराम से हो रहा है, शांति से हो रहा है। किन मुद्दों के साथ वोट कर? विकास के साथ, विकास अच्छा हो। चलिए, तो आपको बताएं कि सुबह से लगातार सिवान के दो प्रखंड यानी हुसैनगंज और हसनपुरा में मतदान हो रहा है। आज 27 पंचायतों में, दोनों प्रखंड को मिला के 27 पंचायतों में मतदान हो रहा है। वहीं 1713 प्रत्याशी आज अपना भाग आजमा रहे हैं, और दोनों प्रखंडों के बीच जो 27 पंचायत है, 27 पंचायतों के बीच 363 जो है कि बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 155 और 156 बूथ संख्या जो कि शेखपुरा पंचायत में आता है। हसनपुरा प्रखंड के शेखपुरा पंचायत से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन हर बूथ में मौजूद है, तमाम बूथ का जायजा ले रहे हैं। और भी कुछ वक्त है, अभी दिखाने की कोशिश करेंगे अलग अलग बूथ से कि किस तरह से मतदान हो रहा है। लेकिन सुबह से लगातार जो हम ये जो कवरेज दिखा रहे हैं, लोगों का एक ही मुद्दा है विकास, यानी ये माना जा सकता है विकास जो है एक बड़ा मुद्दा, और इन्हीं मुद्दों के साथ लोग आज वोट करने आ रहे हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए अपना वोट दे रहे हैं। ऐसी तमाम खबरें दिखाएंगे, बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।